आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाणी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वायुसेना दिवस पर चंडीगढ़ में विशेष एयर शो आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। वायुसेना दिवस पर चंडीगढ़ में विशेष एयर शो आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास तौर से मौजूद रहे। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना को लेकर कई अहम घोषणाएं की। वायुसेना की नई शाखा दिशा संभालेगी अत्याधुनिक शस्त्र। दिशा बचाएगी 3,400 करोड़ रुपए। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने अत्याधुनिक शस्त्रों के रखरखाव के लिए एक नई इकाई दिशा का गठन किया है। इसके गठन से 3,400 करोड़ रुपए की बचत होगी। अदाणी व गहलोत की मुलाकात पर राहुल गांधी के बदले सुर, बोले, मैं उद्योगपतियों का विरोधी नहीं। राजस्थान में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उद्योगपति गौतम अदाणी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात पर उठे सवालों पर राहुल गांधी के सुर बदल गए। राहुल गांधी ने कहा, मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं। फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ दायर हुई याचिका। भगवान श्री राम और हनुमान के गलत चित्रण का लगाया आरोप। आदि पुरुष का टीजर जारी होने के बाद से ही फिल्म निर्माताओं को पहले आलोचना, फिर ट्रोलिंग और अब फिल्म पर रोक लगाने वाली याचिका का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की एक अदालत में फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर की गई है। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में बारिश के आसार। उत्तरकाशी हिमस्खलन से अब तक 2600 बरामद। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के उज्जैन, आगर मालवा, टीकमगढ़ समेत 25 जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। तो वहीं उत्तरकाशी हिमस्खलन स्थल से अब तक 26 शव बरामद हुए हैं। रामायण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर भड़के राम। आदि पुरुष के मेकर्स को सुनाई खरी खरी। रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने वीडियो जारी कर आदि पुरुष के मेकर्स पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। भारत तक पहुंची ईरानी हिजाब क्रांति की चिंगारी। नोएडा में एक महिला ने काटे अपने बाल। ईरान में हिजाब के विरोध में पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय कुर्दिश महिला महसा अमीनी की मौत के विरोध में नोएडा के सेक्टर 15A निवासी डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज ने भी विरोध दर्ज कराया है। डॉक्टर अनुपमा अपने बालों को काटती हुई दिख रही हैं। दूसरे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया। पारंपरिक संगीत और तिलक के साथ हुआ स्वागत। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर यानी रविवार को खेला जाएगा। यह मैच हारने पर भारत सीरीज भी गंवा देगा, वहीं मैच जीतने पर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर लेगा। बीसीसीआई के खिलाफ काम कर रहे अधिकारी। हरभजन सिंह ने पत्र लिखकर लगाए गंभीर आरोप। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार हरभजन सिंह ने अपने ही राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में बवाल मचा हुआ है। गुजरात में पाक बोट से पकड़ी 350 करोड़ की हीरोइन। मुंबई से 500 करोड़ की कोकीन बरामद। गुजरात के समुद्र से एक पाक बोट पकड़कर 350 करोड़ की हीरोइन जब्त की गई है। वहीं मुंबई के नमा शेवा बंदरगाह से 500 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद हुई है। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। आरोग्य भारती कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। हेल्थ डेवलपमेंट का किया जिक्र, बोले, हर जिले को मिलेगा एक मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित आरोग्य भारती कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश में 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। अब 2017 से 2022 के बीच 35 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। मुलायम सिंह यादव की हालत और हुई नाजुक। अखिलेश और रामगोपाल यादव पहुंचे मेदांता अस्पताल। मुलायम सिंह यादव की तबीयत नाजुक है।
बीते कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल हैं। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव अस्पताल में मौजूद हैं। हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सीएम धामी का दो दिवसीय रुद्रप्रयाग भ्रमण, विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को दो दिवसीय भ्रमण पर रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। आदमपुर के मैदान में उतरी भजन लाल की तीसरी पीढ़ी, भाजपा ने भव्य बिश्नोई को दिया टिकट। भाजपा ने हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव के लिए भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है। पिछले 54 साल से यहां पर भजन लाल परिवार का कब्जा रहा है। 1968 से चली आ रही भजन लाल परिवार की इस विरासत को अब उनका पोता संभालेगा। शराबी ने महिला को सरेराह बोला आई लव यू, भड़की महिला ने अधेड़ को जमकर पीटा। राजस्थान में एक महिला ने एक शराबी की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला से अधेड़ ने आई लव यू बोला और बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद महिला ने शराबी की जमकर धुनाई की। मुंबई की 13 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, कई लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई के तिलकनगर इलाके में एक 13 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई है। आग बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर लगी है, जिससे यहां रहने वाले कई लोग इमारत में फंस गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य जारी है। यूके एसएससी परीक्षा धांधली केस में बड़ी कार्रवाई, पूर्व चेयरमैन समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा में हुई धांधली में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस केस में आयोग के पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने संभाला कार्यभार। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी समेत सभी प्रांतीय अध्यक्षों ने शनिवार को कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर यूपी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अक्टूबर महीने में अगस्त को तलाश रही युवती, ढूंढने वाले को मिलेगा 15,000 रुपए का इनाम। मेरठ के सराय खैरनगर गहलोत रोड निवासी दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बीते 24 सितंबर को गुम हुए कुत्ते को तलाश करने के लिए उनकी बेटी मेघा लंदन से घर आई है। युवती ने कुत्ता तलाशने वाले को 15,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल कुत्ते का नाम अगस्त है। पश्चिमी यूपी में बारिश से सुहावना हुआ मौसम, 4 दिन तक रहेगा येलो अलर्ट। पश्चिमी यूपी में 4 दिन तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को दिन में रिमझिम बारिश जारी रही, वहीं शनिवार को भी सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। 11 अक्टूबर तक भारी वर्षा होने का अनुमान है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।